और उधर प्रेमिका को धोखा देकर दूसरे से विवाह रचाने का प्रयास करने वाले देवाशीष को बागबेड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं प्रेमिका सुनीता महतो ने देवाशीष के विरुद्ध शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए बागबेड़ा थाना में केस दर्ज कराया है। बागबेड़ा निवासी देवाशीष का बहरागोड़ा निवासी सुनीता महतो से प्रेम हो गया था। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बना। इस बीच देवाशीष बहरागोड़ा से भागकर बागबेड़ा आ गया, जहां उसके घर वालों ने 11 मई को विवाह तय कर दिया। इस बात की जानकारी सुनीता महतो को मिली तो वह बागबेड़ा थाना पहुंच गई, जहां उसने देवाशीष के विरुद्ध केस दर्ज कराई। पुलिस ने देवाशीष को पकड़कर थाना ले गया। एक विवाह बोल के लड़की है, इसी से मेरा फोन, उसके पास मेरा फोन नंबर था, उससे फोन नंबर नोट कर लिया। उसका कोई लगता कितने दिन से संबंध है? 2009 से। क्या संबंध कहाँ तक बढ़ा हुआ है? क्या चाहती हैं आप? जब दोस्ती हुआ, प्यार हुआ, उसके बाद एक कहा, बोला था कि हम शादी करेंगे। हाँ सर, बोला था। क्या बोला था? बोला हम नौकरी करेंगे, उसके बाद हम तुमसे शादी करेंगे। अच्छा, ठीक है। अभी क्या दिक्कत हुआ? अभी सर दूसरा जगह शादी कर रहा, अभी इसीलिए इनकार कर रहा। दूसरे का शादी कर रहा है, ये बात बताया था पहले? नहीं बताया। कब पता चला आपको? मेरे को 25 तारीख को पता चला। देवाशीष ने बताया कि वह सुनीता के सहेली से प्रेम करता था। उस दौरान जबरन उसके नहीं जाना पड़ता है या सुनीता के साथ 11 मई को लड़की को भी अपने साथ 2009 बोले थी, हालांकि 2010 है, दिसंबर का महीना है। उसकी एक सहेली थी, उससे अफेयर चल रहा था। उसके दौरान उससे पानी होने लगा तो उसको पता था कि उससे अफेयर चल रहा है, फिर भी वो जबरदस्ती बात करती थी, ऐसे करती थी। कोशिश करने के बाद में बोले कि आप ये बात कहे थे कि शादी करेंगे, शादी करने लगा थी, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि गार्जियन मेरा अपना नहीं है। आप लोग शारीरिक संबंध था? शारीरिक संबंध था, लेकिन वो अभी नहीं कर सकते, पर दुर्गा पूजा से। अगर शारीरिक संबंध था आप लोगों का, अभी आप शादी नहीं करना चाहते उससे, क्यों? हम ये सब नहीं बोले कि हम शादी करना नहीं चाहते, लेकिन आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं। कब है शादी आपकी? घर का फेवर में ही है, ठीक है। आपकी शादी कब? 11 कब? 11 महीना मई, ये महीना ना बोलो। हाँ, तो लास्ट पर दोनों को रखा कि अगर उधर इधर अगर नहीं करते, इधर भी अला ये दिक्कत है, उधर अगर नहीं करते, अगर वो अगर कुछ कर लेती तो उसमें भी हम फंस जाते हैं। हर बराबर दोनों को रखना, दोनों खुशी को ये रहो और क्या साथ। थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया, शोषण का मामला है। सुनीता महतो ने आवेदन दिया था कि देवाशीष दास ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर उसका यौन शोषण किया है और उससे शादी इनकार कर रहा है। पहले उसने शादी करने का प्रलोभन दिया था और दूसरी लड़की से शादी करने की बात चल रही है। ऐसे में सुनीता महतो ने आके थाना पे कंप्लेन अपना दिया। उसकी जांच में प्राथमिक रूप से उसकी कंप्लेन को सही पाया गया है। अभी आगे की कार्रवाई की जा रही है।